इंसान का विश्वास हो सकता है? एक था गरीब ब्राह्मण, उसका छोटा सा परिवार था। ब्राह्मण, पत्नी और दो छोटे बच्चे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, बच्चे भूखे हैं, लेकिन आपको कोई चिंता ही नहीं है। पूरे दिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो, चाहे कितना भी दूर क्यों ना जाना पड़े, बच्चों के लिए कुछ खाना ले आओ। ब्राह्मण निकल पड़ा। गांव का रास्ता खत्म हुआ और जंगल शुरू हो गया। ब्राह्मण को प्यास लगी, वो पानी ढूंढ रहा था। वहां उसने घास से ढका एक कुआं देखा। पास जाकर देखा तो कुएं में बाघ, बंदर, सांप और एक इंसान था। ब्राह्मण को कुएं में झांकता देख बाघ बोला, ब्राह्मण देवता, मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हें बाहर तो निकाल दूं, फिर तू मुझे मार देगा तो? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ब्राह्मण ने हिम्मत दिखाकर बाघ को बाहर निकाला। बाघ ने ब्राह्मण को शुक्रिया कहा। देखो, सामने वो शिखर दिख रहा है, शिखर के नीचे मेरी गुफा है, किसी भी प्रकार का काम हो तो आ जाना। ऐसा बोलकर बाघ चला गया। कुएं में से बंदर बोला, ब्राह्मण देवता, मुझे भी बाहर निकालो। ब्राह्मण ने बंदर को बाहर निकाला और बंदर ने एक पेड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए अपने रहने का स्थान दिखाया और कहा, कोई भी आफत आए तो मुझे बताना, आपने मेरा जीवन बचाया है, इसलिए मैं भी आपकी मदद करने को राजी हूँ। इतना कहकर बंदर भी चला गया। कुएं में से सांप ने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे भी बाहर निकालो। मुझे तुझसे डर लगता है। ब्राह्मण देवता, डरो मत, बिना कारण हम किसी को नहीं काटते। तुम मुझे निश्चिंत होकर बाहर निकालो, किसी दिन मैं भी आपको मदद रूप बनूंगा। ब्राह्मण ने सांप को बाहर निकाला। सांप ने भी ब्राह्मण का आभार व्यक्त किया और कहा, कोई मुश्किल आए तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अंत में ब्राह्मण इंसान को बाहर निकालने जा ही रहा था कि सांप बोला, आप इंसान को बाहर मत निकालना और उसका विश्वास मत करना। इतना कहकर सांप चला गया। कुएं में से वो इंसान ने आवाज दी, ब्राह्मण देवता, आपने सभी प्राणियों को कुएं से बाहर निकाला, और मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी बाहर निकालो। ब्राह्मण भावुक हो गया। ब्राह्मण ने इंसान को भी कुएं से बाहर निकाला। फिर इंसान बोला, मैं सोनी हूँ, किसी भी प्रकार के गहने बनवाने हो या बेचने हो, मेरे पास आना। इतना कहकर सोनी चला गया। उसके बाद ब्राह्मण बहुत घूमा, लेकिन बच्चों के लिए कुछ खाने को नहीं मिला। तभी ब्राह्मण को बंदर याद आया और वो बंदर के पास गए। बंदर ने ब्राह्मण को मीठे फल दिए और कहा, आपको मीठे फल चाहिए तो रोज ले जा सकते हो। मीठे फल मिलने से ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। बाघ की गुफा भी पास में ही थी। ब्राह्मण को लगा, बाघ को भी मिल लेता हूँ, मदद के लिए कितना बेताब है, वो देख कर आता हूँ। ऐसा सोचकर ब्राह्मण बाघ के पास जाता है। बाघ ब्राह्मण को देख खुश हो गया। उसने ब्राह्मण को सोने के गहने दिए और कहा, एक राजकुमार का मैंने शिकार किया था, ये गहने उसी के हैं। मैं ये गहने खा तो नहीं सकता, पर तुम्हारे काम आएंगे। ब्राह्मण खुश हो गया और उसने सोचा, अभी वो सोनी के पास जाता हूँ और ये गहने बेच आता हूँ, फिर मैं गरीब नहीं रहूंगा। ब्राह्मण सोनी के पास गया और बेचने के लिए गहने दिखाए। गहने देख सोनी चौंक गया और कहा, ये गहने तो मैंने राजकुमार के लिए बनाए थे। गहने देख सोनी कुछ सोचने लगा। आप इधर बैठिए, मैं अभी आता हूँ।
सोनी गहने लेकर राजा के पास गया। राज दरबार जाकर राजा को गहने दिखाए। राजा ध्यान से गहने देखने लगे, फिर बोले, अरे ये तो मेरे प्रिय राजकुमार के गहने हैं। बोल, तुझे ये गहने कहाँ से मिले? एक ब्राह्मण ये गहने मेरे पास बेचने लाया है। मैं उसे अपने घर में बैठाकर आपके पास आया हूँ। ये ब्राह्मण ने ही राजकुमार की हत्या की होगी। बेचारा गरीब ब्राह्मण सोनी के वापस आने की राह देख रहा था। तभी राजा के सैनिक आए और ब्राह्मण को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। उसे देखकर राजा गुस्से से लाल हो गए। तुरंत राजा ने हुक्म किया, इसे अभी जेल में डाल दो और कल सुबह फांसी पर चढ़ा दो। सैनिक ने ब्राह्मण को जेल में बंद कर दिया। ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गया। जेल में बंद ब्राह्मण ने सांप को याद किया और तुरंत सांप आ गया। सांप ने ब्राह्मण की सारी बात सुनी और बचने का उपाय बोला, मैं रानी को काट लूंगा, कोई भी मेरा जहर नहीं उतार सकता। रानी को आपके छूने के बाद ही जहर उतरेगा और आप राजा की कृपा से इस आफत से बच जाएंगे। सांप रानी के कमरे में गया और रानी को काट लिया। राजमहल में भागदौड़ मच गई। तुरंत तांत्रिक और वैद्य को बुलाया, लेकिन जहर नहीं उतरा। फिर राजा ने जहर उतारने वाले की खोज के लिए पूरे गांव में बात फैला दी। जेल में बंद ब्राह्मण ने कहा, मैं जहर उतार सकता हूँ और रानी को ठीक कर सकता हूँ। सैनिक ने ब्राह्मण को बाहर निकाला और रानी के पास ले गए। ब्राह्मण ने रानी के हाथ को छुआ और तुरंत चमत्कार हुआ, जहर उतर गया। रानी ने धीरे से आंखें खोली। राजा को तसल्ली हुई। रानी को ठीक होता देख राजा ब्राह्मण से खुश हो गए और कहा, ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने रानी की जान बचाई, हकीकत में आप देवता हैं। आप मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए आपके पास मेरे प्रिय राजकुमार के गहने कैसे आए, जिससे मैं प्रिय राजकुमार के हत्यारे को पकड़ सकूं और आपको फंसाने वालों को सजा दे सकूं। ब्राह्मण ने अब तक की सारी बात राजा को सुनाई। ब्राह्मण ने सांप को बुलाया और सांप आ गया। खुद का जीवन बचाने के लिए ब्राह्मण ने सांप का शुक्रिया अदा किया। ब्राह्मण के साथ अन्याय होते हुए सांप ने बचाया, इसी कारण से राजा ने सांप का सम्मान किया। दूसरे दिन राजा ने दरबार बुलाया, सारे प्रजाजन को बुलाया। बंदर, बाघ और सांप के साथ ब्राह्मण को हुए इस किस्से की बात राजा ने प्रजाजनों को बताई। फिर प्रजाजनों से पूछा, क्या बंदर, बाघ और सांप का भरोसा किया जा सकता है? सारे ग्रामजन एक साथ बोल उठे, हाँ। राजा ने प्रजा को पूछा, ब्राह्मण को फंसाने वाले इस सोनी को क्या सजा दी जाए? इस सोनी को फिर राजा ने ब्राह्मण को सोने मुहर से भरी थाली दी और सोनी को कैद कर दिया। ब्राह्मण को वफादार रहने का और सच बोलने का अच्छा परिणाम मिला। मोरल, वफादारी फायदे का सौदा है।